आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन YouTube चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो की टाइटल है हिंदुस्तान स्पेशल आई थिंक वीडियो, और पाकिस्तान शौक मूर्खो देखो एक अकेला भारत है, मतलब सब 56 कंट्री पर भारी है। तो ये तो बात है, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। India has strongly rejected remarks by the Organization of Islamic Cooperation. तो वो दिखा रहे हैं भारत को आके, और वो भी मोदी के भारत को पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक है। The Indian Foreign Ministry hit back and termed the OIC statement ill-informed and ill-intended. और क्या करारा जवाब दिया भारत ने, कहते जी आप एक कदम आगे आएंगे हम 10 कदम आगे जाएंगे। जाएं तो सही, चेज तो करें उनको भाई, आपके सामने बैठे हैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे, ताकत हिम्मत करें ना जाए वहां। बातें सारा दिन जितनी मर्जी करा लो इनको, ये गौरी है, ये फलाम मिसाइल है, ये फलाम, किसके लिए रखे हैं यार आप, देखने के लिए रखे हैं, अगले घर में घुस के मार रहे हैं सुबह शाम आपको। क्या वजूहात है, मतलब जो कैलकुलेशन थी मोदी जी की गवर्नमेंट की वो बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने की हुई। सर इनकी तो समझ ही कुछ नहीं आती, काकड़ साहब किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, काकड़ साहब ये क्या पीते हैं, कहां से पकड़ के लाए हैं। इंडिया इज गेटिंग सो मच इम्पोर्टेंट कि वो दूसरे मुल्कों के जो पॉलिटिक्स है ये उन मुल्कों के अंदर फॉर गुड और बैड वो पॉपुलर है इस वक्त। देखें, और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है। बिल्कुल, चल वो चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब, लेकिन हर खुतबे में अमेरिका को गालियां, इसराइल को गालियां, भारत को गालियां, और इन्हें पता कि इन गालियों से उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाले एम्बेसी वाले बुला रहे हैं, तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मानवाधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करने वाले के कहे अनुसार उठाया गया यह कदम न सिर्फ सवालों के कटघरे में आता है बल्कि ऐसे बयानों से संगठन की विश्वसनीयता को भी धक्का लगता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ओआईसी के साथ साथ बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाई है। बागची ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन के सचिवालय की ओर से जारी बयान को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया गया ये बयान न सिर्फ गलत जानकारी पर आधारित है बल्कि गलत इरादे से भी दिया गया है। अब पाकिस्तान भारत द्वारा सिरे से इस बयान को खारिज किए जाने पर सख्ते में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, उस भारत को कि जो कि बढ़ता हुआ भारत है, बुदा हुआ भारत है और अग्रसर भारत है, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ाता हुआ भारत है। तो वो दिखा रहे हैं भारत को आंखें, और वो भी मोदी के भारत को पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक है। तो इसी मुद्दे पर हम इलैबोरेट करेंगे। हरी मोहन, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। क्या है मुद्दा और क्या करारा जवाब दिया है भारत ने? जी सभी को नमस्कार। मामला ये है मैडम कि इंडिया ने अभी क्या किया है, सिचुएशन को 370 हमने 5 अगस्त 2019 को हटाया, अब असलियत में ये मामला लेके जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सोचकर देखिए हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी, हमारे का यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के संसद ने जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर कोई भी आम बंदा उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है और सुप्रीम कोर्ट 5 benches मतलब 5 judges की बेंच बनाकर उसे सुनता है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री ना, सोचिए ये मतलब किस लेवल पर लेके गए। और उसको जब सुनता है तो सुना, डिसीजन लिया, डिसीजन ये आया कि भाई असलियत में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो हमारी संसद ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में बिल्कुल ठीक है, तो हमें किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था सीधा सीधा। अब सोच कर देखिए मेरे कंट्री का पार्ट, मेरे देश में लेटर ऑफ एनेक्सेशन साइन हुआ है, मेरे देश के साथ मेरे देश की संसद ने डिसाइड किया है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, ओआईसी कौन होता है,
असलियत में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक 57 कंट्रीज की वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अगर आप जिसकी आप विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे एक लाइन में उनकी औकात दिखा रहा है। एक लाइन क्या है, इस्लामिक कंट्रीज के मतलब जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए एफर्ट करने वाले हैं। कैन यू इमेजिन ओनली फॉर मुस्लिम्स, इसका दुनिया के दूसरे किसी रिलीजन से किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी भी दूसरे कंट्री में माइनॉरिटीज मर रहे हो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मरते रहो, बस मुसलमान को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का बायस्ड माइंडसेट है। और ये ब्लैकमेल किस नाम पे करते हैं, क्योंकि 57 देश हैं, 57 देशों में ज्यादातर आप अगर उठाकर देखोगे तो ऑयल जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं या ट्रेड रूट के ऊपर है। लेकिन दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, जो हालात हैं वो जरा उसके, आज मैं, मुझे सुबह बहुत दुख हुआ इस बात का कि जब हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा गया था वो 13,000 टन उस वक्त बम मारे गए थे हिरोशिमा के ऊपर, आज तक की डेट तक के 12,000 टन जो है वो बारूद जो है मारा जा चुका है गाजा के ऊपर, और एवरेज चल रही है 1,500 से 2,000 लोगों की डेली बेस पे मौत पे। और दुख वाली बात ये है कि कोई चीज, कोई रेजोल्यूशन, कोई किसी के माथे पे बल नहीं, बिजनेस इज एज यूजुअल चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल एज यूजुअल, बिल्कुल। मुसलमान चाहे अपने मुल्कों में बैठे हैं तो उनके ऊपर उनके करप्ट जो उनके रूलर हैं वो उनको जलील कर रहे हैं, मार रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो तो वैसे ही बेचारे सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको कौन पूछता है। लेकिन सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है, क्यों जलीलो ख्वार हो रहा है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तालीम से दूरी है। आपने साइंस का बायकॉट कर रखा है, आपने, आप चाहते हैं आज भी हम 7वीं सदी के इस्लाम के ऊपर चले जाएं, आज भी आप चाहते हैं खुलफाए राशिदीन के दौर में जाएं, आप चाहते हैं आज भी आप गदों के ऊपर फिरें, हाँ, लेकिन हर बंदे की शादी बीवियां 4-4 हों, 70-70 बच्चे हों, वो देख ले मिडिल ईस्ट में, आप देख ले ना सर, अभी तक यही पढ़ा रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो लगाई भी है एक मौलाना की, कह रहे हैं कि जी दुनिया जो है वो किसी बैल के सींग के ऊपर रखी हुई है, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखें, और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है, बिल्कुल। चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब, लेकिन हर खुतबे में अमेरिका को गालियां, इसराइल को गालियां, भारत को गालियां, और इन्हें पता कि इन गालियों से उनको, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाली एम्बेसी वाले बुला रहे हैं तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के। लेकिन उसमें आरजू, मैं अब इसका क्या बताऊं आपको, जो मैं गाजा की बात कर रहा था, लेकिन इससे बेहतर तो मैं समझ, पाकिस्तान हमारे मुसलमानों से बेहतर अभी भी, हालांकि मुझे गिला था, आज सुबह यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई है, 153 कंट्रीज ने सीज फायर करने की के लिए वोटिंग की, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत ने भी सपोर्ट किया है कि फलस्तीन के अंदर बॉम्बिंग बंद कर दी जाए। 10 ममालिक हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। मुझे सुबह बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद यह पता चला है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को कहा है कि January 1, 2024 हम अपनी सपोर्ट बंद कर देंगे। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। ओआईसी है क्या, ओआईसी क्या चीज, क्या पाकिस्तान क्या चीज है, बंच ऑफ लूजर्स, पाकिस्तान क्या चीज है, पाकिस्तान है बंच ऑफ बैगर्स। अगर वो बंच ऑफ लूजर्स है ना, लूजर है तो ये बंच ऑफ बैगर्स है पाकिस्तान, ये तो है भिखारियों का एक जत्था, जहां सदर भी भिखारी, जहां पीएम भी भिखारी, जहां जनरल भी भिखारी, जहां चीफ जस्टिस भी बिकारे, जहां आम बंदा, आम सिविलियन भी बिकारे। इधर से जाते हैं सऊदी अरब, दुबई जाते हैं, गिरी बेचना शुरू कर देते हैं या भीख मांगना शुरू कर देते हैं। गरी का तेल ले लो जी, गरी का तेल। यार क्या मेंटेलिटी है इन पाकिस्तानियों की यार, और ऊपर से कहते हैं, हैरत की बात है कि ये आम जो वर्कर हैं पाकिस्तानी, वो भी जाए तो वो भी बाहर के मुल्कों में मांगते हैं, और हमारे बड़े जो हैं वो भी जाए तो वो भी मांगते। अच्छा, वो ताड़ साहब ने बड़ी मजेदार बातें की यार, ताड़ की बातें कभी कभी दिल कहता है उनकी ना,
माथा चूम ले। सही बातें करता, बड़ी मजेदार बातें। क्यों लगा कि हमारे जो खुतबा देते ना मौलवी मेंबरों पर, वो एम ए बी ए पास भी नहीं होते, मैट्रिक पास भी नहीं होते, नहीं कहीं पढ़े भी होते, चले माल लेता है, होते हैं माल लिया पढ़ लिया होंगे, लेकिन मैक्सिमम रुझान ये है हमारे कार्य साथ नहीं पढ़े जो मैं खुद पे देते हैं भाई, वो दुनियावी तरीके नहीं, लेकिन आप ऊपर उन्होंने कोर्स, मैं मान लिया, मैं मानता हूँ दुनियावी तरीके नहीं पढ़ी, दीनी पढ़ी हुई है, दीनी दे रहे हैं, लेकिन मैं दुनियावी बात कर कितना पढ़े हुए पता नहीं, कोई सात आठ की मैट्रिक तो की, पांच पढ़े हुए, पांच पढ़े हैं, हाँ जी पांच कौन सी जमात है, तो बोलो वो बात सच है ताड़, इसी को कहता कभी मैं दिल करूँ टिंड भी चूंग लो जब चमकती है यार। यकीन करे बातें बड़ी सच बोलता है। सॉरी थोड़ी सी वीडियो पोस्ट करनी पड़ी भी, हमारा इधर सर्दियों का दिन है, शायद आपके लोगों को गर्म मंडे वाला है, वजह से वो आवाजें लगाते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको फिर थोड़ा सा समझाया, जो गांव के लोग हैं शायद उनको इन चीजों से वाकफियत हो, शहर वाले भी, शहर वाले भी जाते, लेकिन शहर में इतनी आवाजें नहीं लगती इस्लाम भाई, नहीं लगाते हैं जो है ना शॉप्स में मिल जाता है, मिल जाता है गांव देहात में ना, इस तरह अगर मांडे इस तरह की आवाज आप सुनते ही होंगे जो पंजाब के, यार कोई बात नहीं, कोई इतना भी नहीं हो गया कि ऐसी नई बात ये कर सकते, इतना भी इशू नहीं है कि वो भी हमारी तरह के इंसान ही है इस तरह के, हालांकि आई थिंक होता ही होगा, आई थिंक इस तरह की बातें, मैं कहता हूँ संजीदा बातों में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो तुम करे चलो जी कहाँ वीडियो के मुताबिक बात करें, मैं वैसे बता रहा हूँ यार, क्या होगा तुम्हें क्यों मिर्चियां लग रही है या लड़ते क्यों हैं, अच्छा चले जी खैर, अच्छा ताड़न साहब की बात करें, ताड़न साहब ने कहा था कि मौलवी जो है वैसे आईफोन रखा होता है और खुतबा देने देते वक्त क्या कहते हैं, अमेरिका और यहूदी उनको गाली देते हैं, अमेरिका इंडिया, अमेरिका इंडिया का नाम लिया, इसराइल नहीं देते भाई, बाकी इंडिया का नहीं देते, अमेरिका और इसराइल, और ये खुद मैंने सुना है खुतबे के अंदर, बल्कि दुआ के अंदर, या अल्लाह इसराइल दुआओं में कभी 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 यकीन करें कभी कभी मुझे हैरानी आ जाती है दुआओं में, या अल्लाह हमारे दुश्मन अजली अब दुश्मन इसराइल को नुस्त नबूद फरमा, और सामने वाले क्या कह रहे होते हैं आमीन, मस्जिदों में बैठ कर नुस्त नबूद किया, और नुस्त नबूद करना है टेक्नोलॉजी बनाओ, मिसाइल बनाओ, तरक्की करो, बैंकिंग बनाओ, आईटी बनाओ, पढ़ो, उनको अगर करना है निस्तो नबूद तो। अच्छा एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मौलाना साहब आज जुमा भी था और हमने पढ़ा, और आज भी उन्होंने कहा है, कहा ना इसराइल को निस्तो निस्तो नबूद करो, फिर लफ्ज भी बड़े हैवी किस्म के बोलते हैं, निस्तो नबूद जब तबाह नहीं कहते, निस्तो नबूद पता ये कौन सा लफ्ज है, यानी कि जड़ से खत्म हो जाए, ये मुझे तो लगता है इसका ये मीनिंग है, दुआओं से हो जाता है, नहीं इस तरह कभी नहीं होगा अल्लाह की। अच्छा जो है ना दूसरे तारण साहब की ये बात भी जबरदस्ती, उन्होंने कहा कि आज इन मौलवियों को ना अगर अमेरिका की एजेंसी जो है इधर एम्बेसी, मैं सॉरी एजेंसी बोल बेटा, एम्बेसी से कॉल आया ना कि भाई आपका अमेरिका का वीजा लग गया है, तो ऐसे ना भागते हुए जाएंगे एम्बेसी पे, यार हैरत होती है कि आप निकाल गालियां उनको दे रहे होते हैं अमेरिका को, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल जो है वो आईफोन का होता है, जो गूगल का ब्रांड है, उनकी कंपनी है, वो बहुत मॉडर्न हो चुके हैं जी, हमारे जो मस्जिद के मौलाना है ना वो मुझे बड़ी मस्जिद, उनके पास भी अच्छे खासा जो है कंपनी का है, लेकिन बहुत महंगा मोबाइल है उनके पास भी, एंड्रॉइड रखते हैं, एंड्रॉइड सब रखते हैं, और महंगा से भाई असलम में जिनसे मौलाना से लिया था भाई जी, मौलवी साहब से मैंने भी लिया था, तो उनसे त्रावियां उन्होंने पढ़ाई थी, तो उनसे मैंने लिया, तो उनसे बात की कि भाई ये बिल्कुल साफ है, उन्होंने कहा बिल्कुल साफ है भाई, मैंने त्रावियां पढ़ाई हैं, तो मेरे पास पैसे हैं, तो मैं इस सेट को इसकी जगह कोई और लेना चाहता हूँ, हालांकि हमने बार बार कहा कि भाई कोई मसला तो नहीं, उसने कहा बिल्कुल सेट साफ है, और बाद में जब देखा गया तो उसका जो है ना वो उसका जो ऊपर एलसीडी का मसला बहुत ज्यादा था, लोग सोच रहे जो हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे ये किधर जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने मौलाना की, बातों में तो हम कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार, हम बड़े जज्बे वाले, हम बड़े मुत्तकी परहेज, लेकिन अमली कुछ नहीं है, मतलब ओआईसी हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि ओआईसी क्या है, बुनियाद क्या है, ये इस्लामिक लोगों से मिलकर बनाया है, मुल्क से बनी ओआईसी, ये है हमारा इंडिविजुअल लेवल पर ये हाल है हमारा, हमारी जिसकी वजह से आज हम चित्र खा रहे हैं, और इंडिया को कोई परवाह नहीं, ठींगे पर भी लिखती ओ आई सी को इंडिया,
इंडिया ने क्या लिखना है, वो सभी उनके साथ इंडिया के साथ मिल रहे हैं। हाँ जी तो फिर क्या मैं कहता हूँ कि ये जो पिछले दिनों ये मारी कह रहा हूँ, आईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना सऊदी अरेबिया में, तो थोड़ी बहुत जो है जदोजहद ये इसके ईरान ने की थी, उसने कहा था कि हमें एक इस पर जो है ना तमाम मुस्लिम कंट्री के जो लायर्स हैं वकील उनको बनाना चाहिए, इसके खिलाफ केस करना चाहिए इसराइल के खिलाफ, ओआईसी का उसने की थी और उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला ना, और किसी ने बात तक भी नहीं की सिवाय ईरान के, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से गए ही नहीं थे। नहीं तो ये सऊदीया है ना ओआईसी का सबसे बड़ा मेंबर, हाँ तो वो खुद दुबई की तरफ पे वहां पे अड्डे बना रहा है, वो एक बहुत बड़ा शहर बना रहा है जो नियम सिटी का, नियम सिटी का मेरे ख्याल में बना रहा है, वहां पे नियम सोचते दी जा रही है नियम सिटी। हाँ वो तो वैसे भी यार बहुत वहां पर कम जो है कुछ नहीं कर सकते इंडिया। मैं कहता हूँ कि सिर्फ नाम की ओआईसी है भाई, कोई कौन उन्होंने किया क्या, अकेला इंडिया भारी भी भारी है तो वो भाग भाग पर इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसा लगा रहे हैं, उनको तो सिर्फ बिजनेस से सरोकार है, बिजनेस से उनकी गर्ज है, कोई मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई नहीं, ये वो समझते नहीं है, वो नहीं समझते, ये सिर्फ पाकिस्तान की बकलोली है, अदरवाइज वो को नहीं ऐसा समझते ना, उनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच है एक रुपया कहीं लगाना है तो उधर से दस कैसे कमाना है, ये उनकी सोच है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।